मैं रश्मि आपका रेकिशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको रेकिशन की तरफ से आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है और ये अल्टीमेट पार्टी ड्रिंक है। अक्सर होता ही है कि जब भी हम पार्टी में जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें और बहुत ज्यादा हेवी मील खा लेते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ये जो ड्रिंक है ये सबसे बेस्ट है। और अगर बहुत ज्यादा हैंगओवर हो गया है तो ये हैंगओवर कटर का भी काम करेगा, साथ ही में आपको रिफ्रेश भी करेगा। तो फ्रेंड चलिए बनाना शुरू करते हैं। बट इससे पहले, हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अल्टीमेट पार्टी ड्रिंक। यहाँ पे मेरे पास दो नींबू है, इसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके लिया है। अब हम एक नींबू के चार पीसेस करेंगे और इनका जो बीज है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारे ड्रिंक में हम नहीं चाहते कि इसमें बीज आए। ये देखिए, मैंने दोनों नींबू को इस तरह से काट कर इसका जो बीज है उसे निकाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का खलपत्ता है। अब हम इसमें कटे हुए जो हमने नींबू के पीसेस है उसे लेंगे, साथ ही में हम एक कप भर का फ्रेश पुदीना डालेंगे। मैंने डंठल के साथ पुदीना लिया है क्योंकि इससे हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा और साथ ही में एक हल्का सा ठंडापन भी मिलेगा। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और इसे हम साथ में क्रश करेंगे। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हल्का सा भी चीनी का स्वीट फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे ना डालें। इसे हमें इतना ही कूटना है जैसे कि इसका जो जूस और इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज हो जाए। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए हम इसे खलबत्ते में कूटेंगे। नींबू को मैंने छिलके के साथ इसलिए लिया है क्योंकि नींबू के छिलके से हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा। ये खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा, रिफ्रेश भी करेगा और अगर हैंगओवर ज़्यादा है तो वो हैंगओवर कटर का भी काम करेगा। ये हमने क्रश करके रेडी कर लिया है। अब हम हमारा ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का सर्विंग जूस ग्लास लिया है। ग्लास में हम सबसे पहले हमने जो ये नींबू और पुदीना को क्रश किया हुआ है उसे डालेंगे, कुछ आइस क्यूब डालेंगे, एक बड़ा चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ऑरेंज का फ्रेश जूस है, आप कोई भी फ्रूट का जूस निकाल कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पाव छोटा चम्मच काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब हम सबको मिला लेंगे। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेवर से भरा हुआ टेस्ट देंगे कि इसमें जो हमने पुदीना और नींबू को जो कूट कर डाला है ये इतना फ्लेवरफुल है कि ये कम से कम आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल में आएगा। फाइनली हम इसमें, ये मेरे पास लिमका है, आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो सोडा होता है उसे ले सकते हैं। इसे हम डालेंगे और मिक्स करेंगे और ये हमारा पार्टी ड्रिंक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर रेडी है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और जो इंग्रेडिएंट हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उससे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और अल्टीमेट पार्टी ड्रिंक बनाई है। तो इस ड्रिंक को आप जरूर बनाएंगे, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।